बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। नए कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अलग अलग दो घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसमें पहली घटना में अपराधियों के पास से 6 पिस्टल व 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, तो वहीं दूसरी घटना में 10 किलो गांजा 3 अपराधियों के पास से बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इन दोनों में हमने बड़ी सफलता प्राप्त की। ये तो उठवा दो पहले। जाता है तो वो उसका नाम जरूर आता है। जबलपुर पुलिस उसको हमेशा नजर में रखती है, वहाँ कुछ भी पकड़ा गया तो सीधे उठा। यहाँ तीन मामलों में आरोपियों के बारे में खुलासा हुआ है। पहला मामला है जो चौकी बांदलपुर क्षेत्र में रेलवे स्टेशन में 10 किलो गांजा हमको पकड़ने में कामयाबी प्राप्त हुई है। इसमें तीन आरोपी, एक यही लोकल का है राहुल, बाकी दो आरोपी जो संबलपुर से गांजे की सप्लाई लेके आए थे उन तीनों को पकड़ा गया। 10 किलो गांजा जिसकी कीमत मार्केट में करीब 80,000 से 1,00,000 के बीच थी, उसको जब्त किया गया। आगे विवेचना इसमें जारी है। और ये तीसरा मामला है जिसमें हमें उड़ीसा से गांजा मिलने के बाद मुंबई स्टेशन में कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक है जिसको हमको तोड़ना है। दूसरा मामला है इलीगल आर्म्स में 6 पिस्टल हमको 4 आरोपियों से जब्त की गई, 6 पिस्टल तथा कुछ कारतूस, और उसमें जो मुख्य आरोपी है अरविंद पांडे वो अभी हमारे उसमें नहीं आया है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। और जो बाकी 4 आरोपी हैं इनके द्वारा भी पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने और कहीं पर उसकी सप्लाई की है या फिर उनको और कोई जानकारी है, और इसमें इसमें विवेचना जारी है और आगे जल्दी